तो मैं आ गया आपके बीच एक और झकास सा वीडियो लेकर, जो वीडियो आज का है एंटरटेनमेंट का, जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले। जैसे आप टिकटॉक वीगो वीडियो या लाइक पे अपना वीडियो बनाते थे, वैसा वीडियो अब आप गाना पे भी बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप बोल सकते हो यार गाना पे तो हम सिर्फ अपना सॉन्ग सुनते थे, नए पुराने सॉन्ग आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। तो आप बोलोगे कि हम तो वहाँ पे अपना सिर्फ सॉन्ग सुनते थे, अब यहाँ पे वीडियो क्रिएट कैसे करें। तो गाना में ही एक आया है गाना हॉटशॉट, तो इस पे अपना टिकटॉक या वीगो या लाइक की जैसा वीडियो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं ना, आपको बताते हैं कैसे। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ रंजन जायसवाल और आपको हमारे चैनल रंजन जे टेक में स्वागत है। तो चलते हैं ना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलते हैं ना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो ये जो एप्लीकेशन है गाना हॉटशॉट, ये एप्लीकेशन आपको आसानी से प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। आपको गाना हॉटशॉट यहाँ पे सर्च करना है और आपको आसानी से ये प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। तो इस ऐप को आपको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको पहले से ही इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में रखा है। तो चलते हैं, इसको अब ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपको अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैंने इसको पहले से क्रिएट करके रखा है। तो आपको यहाँ पे पांच ऑप्शन मिल जाते हैं, एक होम का, दूसरा पॉडकास्ट का, तीसरा हॉटशॉट का, और चौथा बूज का, और पांचवा जो माई म्यूजिक का। तो आपको यहाँ पे जो हॉटशॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना बहुत सारा एंटरटेनमेंट वाला वीडियो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे आप टिकटॉक में देखते थे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई म्यूजिक पसंद आ रहा है, तो जो राउंड वाला यहाँ पे घूम रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे और आपको नीचे यूज दिस सॉन्ग का मिल रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ये म्यूजिक को यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में। अगर आपको कोई नया वीडियो बनाना है नया म्यूजिक ऐड करके, तो आपको बैक आना है यहाँ से, और यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं कैमरे जैसा मिल रहा है, तो इस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो हमें टिकटॉक पे मिलते थे। ऊपर मिल जा रहा है ऐड साउंड क्लिप, आप यहाँ से अपना साउंड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में अब नीचे जाए तो फ्लिप कैमरा का, उसके बाद में स्पीड का, और तीसरा ब्यूटी का, और चौथा जो फिल्टर्स का है, और पाँचवा जो टाइमर का, और जो लास्ट वाला है ऑडियो इफेक्ट्स का है। तो इस पर आप अपना मतलब कि सब यूज कर सकते हैं जो जो आप टिकटॉक में यूज करते थे। और आप चाहते हैं कि अपने गैलरी से यहाँ पे कुछ अपना अपलोड करें, तो यहाँ पे आपको गैलरी का ऑप्शन मिल जा रहा है अपलोड वाला, तो उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका गैलरी वहाँ से ओपन हो जाएगा और आप वहाँ से अपना यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हमें कोई वीडियो न्यू वीडियो बनाना हो तो हम क्या करें। तो आपको यहाँ पर मिल जा रहा है ऊपर में ऐड साउंड क्लिप, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो भी सॉन्ग चाहते हैं यहाँ से अपना सर्च करके भी ला सकते हैं। तो चलते हैं, हम यहाँ से कोई सॉन्ग ले लेते हैं, नहीं तो आपके गैलरी में भी आप वहाँ से भी इसको ला सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मेमोरी कार्ड पे क्लिक करना है और आपको जो भी सॉन्ग यहाँ से अपना ऐड करना है, आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। तो हमें अपने गैलरी से ऐड नहीं करना है, हमें यहाँ ट्रेंडिंग वाले पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से बहुत सारे आपको सॉन्ग मिल जाएंगे, तो हम यहाँ से कोई भी अपना एक सॉन्ग ले लेंगे। तो मैंने ये सॉन्ग यहाँ से ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आप टिकटॉक पे सॉन्ग ऐड करते थे, तो उस पर क्या करते थे, आपको ट्रिम करना पड़ता था। आपको नहीं यहाँ पे ट्रिम करना है, नहीं कुछ करना है, डायरेक्ट आप ऐड पे क्लिक करेंगे, आपका जो वीडियो है जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से आपका सॉन्ग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप अपना यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं, आपको ब्यूटी मिल रहा है, अपना फेस ब्यूटी भी यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अपना कुछ इफेक्ट ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे अपना फिल्टर चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना एक फिल्टर चेंज कर लिया हूँ, तो आपको अपना फिल्टर जो भी अपना है यहाँ से इफेक्ट्स आए अपना लगा सकते हैं अपने वीडियो में। तो जैसे कि आप टिकटॉक वीगो या लाइकी पे वीडियो बनाते थे, तो आपको यहाँ पे राउंड एक रेड कलर का मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो शूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अपना वीडियो यहाँ पे शूट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा शूट हो गया है, तो उसको आप ट्रिम करना चाहते हैं, तो यहाँ से अपना ट्रिम कर सकते हैं, नहीं तो आपको सेव पे क्लिक करना है। तो सेव पे क्लिक करने के बाद आपका क्रिएटिंग वीडियो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। कुछ मतलब कि टाइम लगेगा, लगभग 10 से 12 सेकेंड।
तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ पे मतलब कि सेव हो गया, क्रिएट भी हो गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अपना चाहे तो कुछ टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, स्पीड इफेक्ट फिल्टर्स जो भी यहाँ पे आपको मिल रहे हो अपना अपनी इफेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। नहीं तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, हमें कुछ नहीं लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रिएटिंग वीडियो, फिर यहाँ पे एक और आ जा रहा है। तो उसके बाद में अपना टाइटल यहाँ पे कुछ लिखना चाहे तो अपना टाइटल लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इसका टाइटल ले लिया। उसके बाद में आपको हैशटैग देना है, तो हैशटैग पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे हैशटैग मिल जाएंगे, आप जो भी चाहें अपना यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको एक नंबर पे दिख रहा है गाना हॉटशॉट, तो हम इसको ही अपना यूज कर ले रहे हैं। तो गाना हॉटशॉट पे क्लिक करें, अपना मतलब कि हैशटैग और टाइटल यहाँ पे ऐड कर दिया, और भी अपना हैशटैग यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अपना मतलब कि जो आपका थंबनेल जैसे इसमें भी आता है कवर फोटो, अपना जो भी अपना लगाना चाहे कवर आर्ट यहाँ पे अपना लगा सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना जहाँ भी चाहे मतलब कि अपना कवर फोटो लगा सकते हैं, जहाँ मतलब कि जहाँ का भी आपका लगाना है वहाँ पर आपको टैप करना है। तो मैंने यहाँ पे टैप किया, अपना मतलब एक कवर फोटो यहाँ पे सेव हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे अपलोड कंटेक्ट का मतलब कुछ यहाँ से अपना प्रोसेस देना है, तो आपको एक प्रोसेस पे क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपका वीडियो जो होगा यहाँ से अपलोडिंग होने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ पे अपलोड हो गया है, तो ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग ले रहा है, उसके बाद में आपका वीडियो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, और आप समझ गए हो कि आप मतलब कि टिकटॉक या लाइकी या वीगो वीडियो जैसे आप वीडियो आप गाना हॉटशॉट पे भी क्रिएट कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं। यहाँ पे भी लोग अच्छे अच्छे मतलब कि फॉलोअर्स लेके यहाँ पे बैठे, अच्छा अच्छा लाइक भी यहाँ पे लोगों को मिल जा रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे आइए, वीडियो बनाइए। अगर आप हमारा ये वाला वीडियो नहीं देखे जिसमें मैंने बताया कि इंस्टाग्राम पे टिकटॉक जैसा वीडियो कैसे बनाए, तो ये वीडियो आपको आई बटन और यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।